मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पर निसार कर दूँ, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पर निसार कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल नसीर। आज हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान में, यहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से जो है ना हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी फैमिलियाँ, बहुत से लोग आज जमा हैं, तो मौसम भी यहाँ का बहुत अच्छा है। मौसम के हवाले से भी यहाँ पे आज तकरीबन कुछ ज़्यादा फैमिलीज आ गई हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ फैमिली से, कुछ लोगों से जो है वो आज़ादी के हवाले से बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मीनार पाकिस्तान में इकट्ठे हुए हैं के साथ। यहाँ पर हम जंजीर मीडिया नेटवर्क के दोस्तों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं, कैसे इसकी सेलिब्रेशन करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? जर्जिशान। अच्छा जर्जिशान, क्या करते हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं आप? जश्न आज़ादी पहला तो जो 14 अगस्त है वो हमारा आज़ादी का दिन है। हमें इस आज़ादी के दिन को जिस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमें पाकिस्तान के लिए जो इसकी डेवलपमेंट है उसके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। और जो अब हमने ये जो कहते हैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट जो कैदी वाला वर्ड है जैसे कि बादल लेकर निकल जाना, इसको हमें ना इससे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब इससे अवॉइड होंगे तभी हमारी जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है तभी होगी। अच्छा, ये बताइए कि यकीनन आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, जश्न आज़ादी बड़े अच्छे तरीके से आप बड़े अच्छे अंदाज से सेलिब्रेशन करते हैं, यकीनन आपको कोई ना कोई मिली नगमा तो आता ही होगा, अगर आप उसकी कोई दो लफ्ज़ हमारे साथ शेयर करें। पीछे चले गए, पीछे चले गए, पाकिस्तान पीछे चले गए, पाकिस्तान। जी, आज ये चूँकि मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत सी फैमिली जो हैं आज वो मीनार पाकिस्तान में सैर के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बलूचिस्तान से भी तशरीफ़ लाए हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनको लाहौर कैसा लगा और ये आज़ादी कैसे मनाते हैं। क्या नाम है आपका? हयातुल्लाह। हयातुल्लाह, आप क्या करते हैं? हम स्पेयर पार्ट के काम करते हैं। अच्छा, स्पेयर पार्ट का काम करते हैं। मुझे ये बताइए कि जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं आप? माशाल्लाह जश्न बहुत अच्छा लगते हैं, हम लोग जैसे शहर का बाद मनाते हैं, उधर तो लोग देख रहा हो तो मौसम बहुत अच्छे मौसम है, इंजॉय करेगा। आपका क्या नाम है? फिदा मोहम्मद। अच्छा फिदा मोहम्मद, आपको जो लाहौर में जो आपने देखते हैं कि बड़े जिंदा दिलाने लाहौर है, यहाँ के जो लोग हैं बड़ा, कोई भी यहाँ पे इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल होता है, उसको बड़े पुरजोश तरीके से मनाते हैं, तो आपको कैसा लगा सारा यहाँ पे लाहौर में जो हो रही है? 14 अगस्त माशाल्लाह हमारा आज़ादी का दिन है, माशाल्लाह हम बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। और लाहौर में माशाल्लाह ये हमारा पहला 14 अगस्त है जो हम इधर मनाते हैं। तो लाहौर जो है ना वो हमारा एक जो है ना हमारा जो सब कह रहा है कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने पाकिस्तान नहीं देखा। ये बताइए आपको कोई मिली नगमा आता है? नहीं। अच्छा, ये बताइए जिस जगह हम खड़े हैं इस वक्त, ये हमारे पीछे मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ये हमें क्या याद दिलाता है? इस जगह पे क्या वो तारीखी जो है ना वो एक हुआ था कि आप बताइए? चले हम आपको बता देते हैं, चूँकि यहाँ पे 23 मार्च को करारदादे पाकिस्तान पास हुई थी, तो उसकी याद के लिए ये एक मीनार जो है ना मीनार पाकिस्तान बनाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमारे साथ इस वक्त बहुत ही प्यारे दोस्त मौजूद हैं जो कि यहाँ सैर करने एक ग्रुप की शक्ल में आए हुए हैं, पूरे दोस्त अहबाब इनके साथ हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं। सर, हम बहुत शौक से जश्न आज़ादी मनाते हैं और हम सबका बहुत खुशी का दिन होता है। तो ये बताइए कि आप, मैं देख रहा था अभी बड़ा इंजॉय कर रहे थे सब दोस्त मिल के, तो यकीनन कोई मिली नगमा तो आपको आता ही होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपको, आप जानते हैं कि कायदेजम कहाँ पैदा हुए? क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। अच्छा मोहसिन, आप क्या करते हो? मुझे ये बताइए कि कायदेजम कहाँ पैदा हुए? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि 14 अगस्त की मुनासबत के हवाले से आप हमें कोई मिली नगमा सुना दें। अच्छा सा
दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। चले, आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सैयद वकार हुसैन। अच्छा सैयद वकार हुसैन, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छा। तो ये बताइए कि जश्न आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ये एक आज़ादी का दिन होता है, इस ये किसी नसीब वाले लोगों की किस्मत में ये दिन आता है। इंसान को चाहिए कि अपनी आज़ादी का दिन बड़े जोश व खरोश और जज्बे से मनाना चाहिए, क्योंकि जो लोग गुलामी की कैद में झगड़े हुए हैं उनसे पूछें ये आज़ादी की कीमत क्या होती है, आज़ादी क्या चीज़ होती है। एक महज़ब कौम की ये निशानी है कि वो इस आज़ादी के दिन को बड़े जोश और जज्बे से मनाए। जी वकार ने बहुत अच्छी बात की, यकीनन पाकिस्तान जो है हमारे आबा अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों के साथ इसको बनाया है। तो वकार ये बनाएं कि आज के दिन के हवाले से आप हमें कोई अच्छा सा मिली नगमा सुनाएं। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। वेरी गुड, आपकी बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा आपने मिली नगमा सुनाया। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम बलोच। अच्छा सलीम बलोच साहब, बलोच साहब क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा वेरी गुड, तो आज आप यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पर मैं घूमने आया हूँ सर। अच्छा अकेले आए हैं या दोस्तों के साथ? नहीं मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पर। अच्छा आपके फ्रेंड हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि आप जश्न आज़ादी जो है वो कैसे मनाते हैं, फैमिली के साथ मनाते हैं या दोस्तों के साथ मनाते हैं? हम सर अगर गांव में होते हैं ना सर, तो हम ऐसे ही मनाते हैं, अपने ट्रैक्टर पर चढ़ जाते हैं और झंडा लगा लेते हैं सर, और सारे गलियों में घूमते हैं सर और खुशी मनाते हैं कि एक रात हमने बहुत अच्छा पाकिस्तान बनाया और हमें अच्छी तालीम दी है सर। लेकिन हमारे जो ये हुक्मरान है ना, वो थोड़े से काम ख़राब कर रहे हैं सर। बाकी एक रात मोहम्मद जनाब है उसको आई एम प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, उनका शुक्र अदा करता हूँ जो जिन्होंने हमें पाकिस्तान में पैदा किया है, बनाया है सर। थोड़ा सा समझ लो सर, ज़्यादा तो नहीं आती उर्दू सर। यकीनन यकीनन ये हमारे लिए प्राउड है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। जी सर, हमारे बड़ों ने इसके लिए बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जी सर, तो थोड़ा सा नगमा है वो गुना सर। जी बिल्कुल, आप हमें को मिले नगमा सुनाएं अच्छा सा। ठीक हो सर। ऐसी जमी और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल। जी तो आज़ादी के हवाले से आज हम मीनार पाकिस्तान में मौजूद थे, यहाँ बहुत सी फैमिलीज़ के साथ, बहुत सी दोस्तों के साथ हमने बहुत सी बातें की, उन्होंने शेयर किया कि हर फैमिली ने कि वो किस तरह जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं 14 अगस्त का। जो है ये एक बड़ा दिन है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो आप जंजीर मीडिया नेटवर्क को, जंजीर टीवी को जो सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।